राइट ए बार बी बार सी बार, ठीक है, ये तो लॉजिकल बेसिक गेट्स है। और अच्छा केवल, अच्छा ठीक 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 हाँ बनाए थे, एक पेज मिस हो गया। ठीक है, मतलब अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, और सारे गेट्स को डिस्कस कर लिए ना, और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम किए थे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ राइट वन प्रॉब्लम, क्लास बाद में नोट करना, अभी बना लीजिए, क्लास के बाद बता दीजिएगा। फॉर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन f is equal to ab plus a bar b bar, first obtain the truth table b NAND NOR कर लिए हैं, वही तो पूछ रहे थे। एक मिनट, ठीक है ठीक ठीक, उसी को पूछ रहे थे, प्रॉब्लम हुआ है। नाउ टुडे विल डिस्कस लॉजिक गेट से। किसी को और कोई डाउट, किसी तरह का रियलाइजेशन डिजाइन, किसी तरह कोई डाउट नहीं है? बोलिए, y इक्वल टू ab प्लस ab का होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ हाँ ठीक है, तो बेसिक गेट से बनाएंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे नॉर गेट से। NAND को NOR में नहीं बदलना है। अच्छा ये NAND, तो NAND को OR में, NAND को किस में बदलना है? हाँ ठीक है, तो बेसिक गेट्स का ही ना NOR गेट में कंक्लूजन होगा, तो आपका जो NAND से NOR नहीं बनाना है, NAND एंड NOR बोथ आर यूनिवर्सल गेट्स, तो आप दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे। तो y इक्वल टू ab प्लस ab बार, तो y इक्वल टू ab प्लस ab बार के लिए आपका बेसिक गेट्स में तो आपको पता है दो एंड गेट यूज होगा और ये और गेट से पास होगा, तो पहले वाले में a और b डायरेक्ट जाएगा, दूसरे वाले में आपका a और b जो है डायरेक्ट जाएगा, लेकिन यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो नॉट गेट से होकर, ठीक है ना, नॉट गेट से होकर तब ये और गेट में पास होगा। ठीक है, तो यहां पर ए बी हो गया, यहां पर ए बी हुआ और यहां ए बी का बार हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि एंड को नॉट को और को रिप्लेस करना है। तो नॉर गेट से आपको पता है एंड के लिए तीन नॉर चाहिए, तो पहले वाले के लिए तीन नॉर आप ले लीजिए, ठीक है, और दूसरे वाले के लिए भी तीन नॉर,
ये दोनों एंड हो गया। अब ये नॉट के लिए एक चाहिए, तो एक चाहिए तो एक को हम डुअल इनपुट में दिखाएंगे, क्योंकि नॉर है तो इसको मिनिमम दो इनपुट चाहिए, तो ये नॉट भी हो गया। और के लिए आपको दो नॉर चाहिए पता है, इसका मतलब है अभी हम कोई वैल्यू नहीं डाले हैं, तो इसके लिए आपको पता है कि दो नॉर चाहिए, तो एक और एक डुअल इनपुट से पास होगा दो। ठीक है, अब इसके बाद सोचिए कि आपका पहला एंड में ए बी कैसे जा रहा है, दूसरा एंड में ए बी, तो दोनों में ए बी डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पर अब हम लोग जो है ए और बी दो सेगमेंट लेते हैं, और चूंकि आपका जो है एंड तीन नॉर से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो पहले वाले में एक ए डुअल इनपुट में जाएगा और दूसरे वाले में बी डुअल इनपुट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए बार हो गया, ये हो गया बी बार, और ये हो गया ए बार प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट, इट इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी, क्योंकि ए का डबल बार हो जाएगा और प्लस डॉट में बदलेगा, फिर बी का डबल बार, तो ए डॉट बी, और यहाँ पर ए बार बी बार ए बार डॉट नहीं प्लस ए बार प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये यहाँ से पास हो गया तो ए बार प्लस बी बार का डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नहीं नॉर गेट है ना, ये नॉर गेट है ना, तो यहाँ पर इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, इसको रुकिए, इसको यहाँ ब्रेक कर दीजिए, तो ए बार प्लस बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी का बार, क्योंकि ए डॉट बी जब और गेट से पास होगा तो ए डॉट बी ही रहेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी, क्योंकि ए प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट ए, तो उसी तरह से ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ये ए डॉट बी हुआ, फिर नॉट से पास होगा तो इसका होल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो अब यहाँ आ गया ए डॉट बी, यहाँ आ गया, तो ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी डबल कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस डबल कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा आपका वेरिएबल इटसेल्फ हो जाएगा ए बी प्लस, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ओनली यू हैव टू रिप्लेस, आगे जब आप कॉन्फिडेंट हो जाइएगा तो आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप कुछ गेट को रिड्यूस कर सकते हैं, अभी हम लोग केवल रिप्लेसमेंट करेंगे, रिप्लेसमेंट करना आपके लिए आसान है, जो गेट है उसके बेसिस पर रिप्लेस कर देंगे। नाउ बेसिकली जो आपका पेपर है उसमें एक सेक्शन है बुलियन अलजेब्रा, एक्चुअली बुलियन अलजेब्रा इज द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, ठीक है ना, एंड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बुलियन लॉ, तो देयर इज अ साइंटिस्ट मैथमेटिशियन जॉर्ज बुले, ठीक है ना, तो 1854 में जॉर्ज बुले ने जॉर्ज बुल मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक अलजेब्रा लॉजिक का एक अलजेब्रा बनाया, जिसको हम लोग अलजेब्रा ऑफ लॉजिक भी बोलते हैं, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, एंड सम टाइम वी आल्सो गिव द नेम स्विचिंग अलजेब्रा, तो बुलियन अलजेब्रा इज द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, यानी देयर इज ए लॉजिकल स्ट्रेटजी फॉलो टू फाइनलाइज एनी बुलियन फंक्शन, किसी भी बुलियन फंक्शन को पर्टिकुलर फाइनलाइजेशन यानी किसी तरह का रिडक्शन अगर करना है तो देर आर सेट ऑफ रूल्स, and we just follow that set of rules and that rules are termed as boolean law, theek hai na, you just have a pdf in which the details are there, in 1854 George Boole mathematician designed one logical algebra which is termed as algebra of logic, and sometime it is also known as switching algebra because it is essential to switch one form of expression into another form, because जब आप reduct करेंगे, कोई भी reduce करेंगे expression, तो उसका एक form से दूसरे form में change होना वो स्वाभाविक है,
तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्विचिंग अलजेब्रा, इसको स्विचिंग अलजेब्रा कहा गया। और चूंकि इसमें बहुत सारा लॉ था तो ऑल लॉज आर टर्म्ड एज बुलियन लॉ। तो वी जस्ट गेट टेक द लिस्ट ऑफ फर्स्ट लॉ, तो अंडर बुलियन लॉ वी हैव टोटल 8 लॉ। इसमें से कुछ लॉ आप ऑलरेडी सेट थ्योरी में प्रूफ किए होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेकर एप्सनल लेकर आप प्रूफ किए होंगे, लाइक कमोटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो दीज आर लिख लीजिए, तो 124। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला लॉ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी लॉ। पुराना ही रखते हुए एक मिनट, 124 शिव कुमार, एक मिनट, ठीक है, शिव कुमार लिख लीजिए। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ के अंदर हम लोग 4 लॉ डिस्कस करेंगे, सब लॉ, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ योर बुलियन सेट ऑफ वेरिएबल, यानी कि बुलियन सेट ऑफ वेरिएबल में वी हैव टू कांस्टेंट वैल्यू 1 और 0। तो 1 और 0 का लिटरल्स के बेसिस पर हमारे पास 4, यानी लॉजिकल और लॉजिकल एंड, लॉजिकल और के लिए 2 और लॉजिकल एंड के लिए 2, यानी एक बार 1 से और एक बार 0 से लॉजिकल और को इम्प्लीमेंट करेंगे किसी लिटरल्स के साथ, और एक बार 1 और 0 को लॉजिकल एंड से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, किसी लिटरल्स के साथ। लिटरल्स एक्स हो सकता है, ए बी कुछ भी एक लिटरल्स होगा, लाइक सपोज अगर ए आपका लिटरल है तो ए के साथ एक बार हम लॉजिकल एंड देखेंगे 1 और 0 के साथ, और एक बार हम लोग क्या देखेंगे, लॉजिकल और देखेंगे, यानी आइडेंटिटी लॉ कंसिस्ट, आगे हम लोग डिटेल देखेंगे, दिस 4 लॉ, यानी कि देयर इज सर्टेन लॉ, यानी कि व्हेनेवर आप कोई लिटरल्स के साथ लॉजिकल एंड, यानी वन आपका इनपुट एक वन इनपुट फिक्स है और कोई लिटरल्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो व्हाट इज द आउटकम, यही आपका बुलियन ने सजेस्ट किया था, तो दैट बिकम अ लॉ, बुलियन लॉ एंड कम्स अंडर आइडेंटिटी लॉ। तो आप ऐसे भी बताइए, ए का कोई भी वैल्यू हो, अगर लॉजिकल एंड लगा रहे हैं आप, लॉजिकल गेट पढ़ चुके हैं आप, तो ए का कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू क्या होगा, 0 या 1 ही होगा। तो अगर 1 है, एक इनपुट अगर 1 है तो आउटकम क्या होगा, 1 ही होगा, ए होगा सर। आउटकम, आउटकम हमेशा ए होगा, यानी ए का जो वैल्यू है वही होगा। इसलिए मैंने पूछा कि आपने लॉजिकल गेट पढ़ा है, ए का वैल्यू अगर 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, क्यों, आपको पता है कि जब बोथ इनपुट्स आर 1 देन ओनली द आउटपुट इज 1, यानी मींस ऑल इनपुट इज हाई देन ओनली द आउटपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो। तो अगर एक 1 फिक्स कर दिए तो ये आउटकम क्या होगा, हमेशा ए का वैल्यू जो होगा, ये अगर 0 लेंगे तो 0 होगा, ए 1 लेंगे तो, और व्हाट अबाउट दिस, ए डॉट 0 पर लॉजिकल और लगाएंगे, ए का कोई भी वैल्यू, अगर एक आप 0 हो गया तो आप बताते हैं ना लॉजिकल एंड में बोथ इनपुट्स आर हाई देन ओनली आउटपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो। तो हियर एक इनपुट आप तो कंफर्म कर दिए 0, तो ए का कोई भी वैल्यू हो ये 0 होगा, दैट इज द आइडेंटिटी लॉ। सेम थिंग फॉर लॉजिकल और, लॉजिकल और में हम लोग क्या करते हैं, एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटकम 1 है, तो ए का कोई भी वैल्यू हो, ए का वैल्यू 0 हो या 1 हो, इन ऑल केसेस आउटपुट इज 1। आर यू गेटिंग द पॉइंट, याद नहीं करना इसमें ये, चूंकि आप लॉजिकल गेट पढ़ चुके हैं तो आप बता सकते हैं कि ये कैसे लिखा जा रहा है। ये आइडेंटिटी लॉ बुलियन ने बताया था, जॉर्ज बुलियन ने, और उन्होंने इसका नाम दे दिया आइडेंटिटी लॉ, ये आइडेंटिटी लॉ है। लॉजिकल और को अगर 0 के साथ किया जाए, यानी ए का जो वैल्यू है वही होगा, क्लियर है, ए का वैल्यू 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, दैट मींस ए। तो ये 4 लॉ जो है आइडेंटिटी लॉ में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वहां पर सेट थ्योरी में आप प्रूफ किए थे, सेट थ्योरी में आपने जो है यूनियन इंटरसेक्शन इसके बेसिस पर प्रूफ किया था। यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करने के लिए 2 टूल्स है, एक है बाय मींस ऑफ ट्रुथ टेबल और दूसरा है बाय मींस ऑफ बुलियन पोस्टुलेट्स। लेटर ऑन विल डिस्कस द पोस्टुलेट्स आल्सो, दैट बुलियन पोस्टुलेट्स आर डिजाइन्ड बाय द हेल्प ऑफ ऑल 3 बेसिक गेट्स, 3 बेसिक गेट्स है, टोटल 10 पोस्टुलेट्स आर देयर, उसको भी याद नहीं करना है, 10 पोस्टुलेट्स है। फर्स्ट एंड से स्टार्ट करेंगे तो, हाँ बोलिए,
पोस्टुलेट्स का मतलब रूल, प्रोटोकॉल यू कैन से, सेट ऑफ रूल्स, बुलियन सेट ऑफ रूल्स, यानी बुलियन वैल्यू पर जीरो वन के बेसिस पर सेट ऑफ रूल्स तैयार किया गया. टोटल 10 पोस्टुलेट्स आर देयर, पोस्टुलेट नंबर 1 से लेकर 10 तक. तो देयर इज टू वे टू प्रूफ द पर्टिकुलर लॉ, वट एवर लॉ, बुलियन लॉ और थ्यूरम्स वी हैव अंडर बुलियन अलजेब्रा. तो बुलियन अलजेब्रा में कोई भी लॉ या थ्यूरम्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ टेबल और ऑन द बेसिस ऑफ बुलियन पोस्टुलेट्स, ये दो टूल का यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए. तो पोस्टुलेट्स में वी हैव 10 पोस्टुलेट्स, तो वी जस्ट अप्लाइड दैट 10 रूल्स. 10 रूल जो है वो 10 रूल कैसे बनेगा, तो एंड और नॉट, यानी 4 रूल्स फ्रॉम एंड, 4 रूल्स फ्रॉम और एंड 2 रूल्स फ्रॉम नॉट. बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट कि मिनिमम एटलीस्ट 2 इनपुट चाहिए एंड को, 2 इनपुट चाहिए और को, और 1 इनपुट चाहिए नॉट को. तो जो 2 इनपुट चाहिए उससे कॉम्बिनेशन 4 बनता है, और जिसमें 1 इनपुट चाहिए उसमें कॉम्बिनेशन 2 बनता है. तो एंड और से 4 बनेगा, तो 4 + 4 8 हो गया, और 2 कॉम्बिनेशन बनेगा नॉट का, तो वो हो गया 2. यानी टोटल 10 पोस्टुलेट्स वी हैव. हाँ, ऑर्डर में पहले एंड लेंगे, फिर और लेंगे, फिर नॉट लेंगे. तो पोस्टुलेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द ट्रुथ टेबल. आई थिंक दैट यू कैन प्रूफ ईच एंड एवरी लॉ बाय मींस ऑफ ट्रुथ टेबल. वंस यू हैव अ पर्टिकुलर इनपुट कॉलम फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन. तो जो आपका आइडेंटिटी है उसके लिए आपको कॉलम जनरेट करना होगा. यहाँ पर कोई आउटपुट कॉलम नहीं होगा, यहाँ पर आपका केवल कॉलम होगा, और उस कॉलम का नंबर से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. क्योंकि यहाँ पर आपका जो आउटपुट सेक्शन यानी LHS है, RHS है, वो भी कॉलम आपको जनरेट करना है, और LHS भी कॉलम जनरेट करना है. कब? जब LHS और RHS दोनों में एक्सप्रेशन हो. अगर दोनों सेक्शन में एक्सप्रेशन है, अगर RHS में आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू है या कोई एक लिटरल से वेरिएबल है, तब तो आपका उसके लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल से आपका काम हो जाएगा. केवल कॉलम नंबर स्पेसिफाई करेंगे. दूसरा जो आपका है आइडेंटिटी लॉ के बाद, नेक्स्ट इज द इनवर्स लॉ. इनवर्स लॉ भी हम लोग देखेंगे. इनवर्स लॉ हम लोग यूज भी करते हैं. इस इनवर्स लॉ में 2 लॉ है कि किसी भी लिटरल्स के साथ, एक बार लॉजिकल और एक बार लॉजिकल नॉट. तो किसी भी लिटरल्स के साथ अगर उसके कॉम्प्लीमेंट को पर लॉजिकल और लगाया जाता है, तो आउटकम क्या होगा? आउटकम के लिए आप खुद चेक कर लीजिए, एक्स का वैल्यू 0 या 1 ही होगा. तो एक्स का वैल्यू अगर 0 होगा तो एक्स बार कितना होगा, और 1 होगा तो जीरो. तो दोनों ही स्थिति में कोई एक 1 हो रहा है, तो आउटकम क्या होगा, 1 होगा. या एक्स 0 होगा तो एक्स बार 1 होगा, एक्स अगर 1 होगा तो एक्स बार 0 होगा. तो कोई भी ना कोई एक अगर 1 होगा तो आउटकम क्या होगा, लॉजिकल और में 1 होगा. और एक आपका है एक्स डॉट एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, इसलिए कि x का वैल्यू 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा. यानी कि दोनों 1 कभी नहीं होगा, और जब दोनों 1 कभी नहीं होगा तो आउटकम हमेशा 0 होगा. कितना बज गया, 35. तो x प्लस x बार x डॉट x बार इक्वल टू 0. x डॉट x बार इक्वल टू 0, इसका मतलब ये लिखने का तरीका आपको पता चल रहा है? Yes. हर जगह आपको x या जहां भी सिंगल लिटरल्स होगा वहां पर 0 1 ही ट्रीट करना है. जहां एक से अधिक 2 होगा वहां 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है. तीसरा जो लॉ है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ये भी हम लोग देख चुके हैं, यूज कर चुके हैं. डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, इसमें whenever we take double complement of any literals, then the outcome is literals itself. तो ये double complementation law भी हम लोग use किए हैं. Next one is the fourth one is absorption law. Absorption law. ये बताइए absorption law, absorption theorem proof किए होंगे आप? बताओ जी, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है? एनीवन प्रूफ किया है ना सेट थ्योरी में? नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं. अच्छा ठीक, देखिए जो पीडीएफ दिया है उसमें देखिए, ठीक है ना, पढ़ने के लिए ही पीडीएफ दिए हैं. ओपन करिए, आगे हम लिख रहे हैं. एब्जॉर्प्शन लॉ के बाद क्या है नेक्स्ट? एडम्पोटेंट लॉ, जो हम लोग यूज किए कहाँ पर यूज किए, नैंड एंड नॉर में. जो 2 लॉ था एडम्पोटेंट लॉ में, a प्लस a इज इक्वल टू a,
और ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, जहां पर डुअल इनपुट के लिए यूज किया गया इसको। तो नेक्स्ट वन इज द आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ एंड देन आफ्टर कम्यूटेटिव लॉ आप हमेशा यूज करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव लॉ। देन एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कोई बताइए, एसोसिएटिव लॉ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा सर, ब्रैकेट में। ठीक ठीक हाँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जहां पर पहले वाले में ए प्लस बी में ब्रैकेट होगा, दूसरे वाले में बी प्लस सी में ब्रैकेट होगा। और यही चीज आप मल्टीप्लीकेशन के लिए भी करते हैं एसोसिएटिव में, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, पहले वाले एल एच एस पार्ट में ए इंटू बी को ब्रैकेट में रखते हैं और दूसरे वाले बी इंटू। और एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चार सब लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ में चार है, ठीक है ना, चार सब लॉ। और इसका यूज सबसे ज्यादा रिडक्शन एक्सप्रेशन रिडक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है, चार है ना, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अभी। फर्स्ट विल डिस्कस आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स, ये फोर लॉ स्टेट्स करता है, फॉर एनी बुलियन वेरिएबल ए, ठीक है ना, फॉर एनी बुलियन वेरिएबल ए, ए प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए डॉट वन इज इक्वल टू ए डॉट जीरो इज इक्वल टू, ए प्लस वन किसी भी हाल में हमेशा वन होगा, ठीक है, ए प्लस जीरो ए डॉट वन, न्यूज सुनने लगे जी, बात सुन लेना, ए प्लस वन इक्वल टू वन, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, ए डॉट ए इक्वल टू है, और ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें जहां पर कांस्टेंट वैल्यू है आरएचएस में, उसके लिए अलग से आरएचएस का कॉलम नहीं लेना है, जहां पर लिटरल्स है तो लिटरल्स के लिए भी कोई ना कोई कॉलम होगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली जब प्रूफ करेंगे, हमारे पास दो टूल्स है, एक है हमारे पास टूल आपका ट्रूथ टेबल, जिसके थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं, और दूसरा है आपका पोस्टुलेट्स, बुलियन पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में आपको पता है कि इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप निकालते हैं, लेकिन यहां पर जब प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, प्रूफ मार्क्स, हम एक प्रूफ करते हैं, बाकी आप करेंगे खुद से, ठीक है ना, बाकी प्रूफ वो पूरा डिटेल उसमें दिया है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, बाय मींस ऑफ ट्रूथ टेबल, सपोज ए प्लस वन इक्वल टू वन है, दैट मींस इसमें लिटरल्स तो एक ही है, वेरिएबल तो एक ही है, तो कॉलम आपका ए का एक कॉलम बनेगा और एक आपका वन कॉन्स्टेंट के लिए बनेगा, ठीक है ना, जीरो होगा तो जीरो के लिए बनेगा। नाउ एल एच एस पार्ट में हमारा ए प्लस वन है, ठीक है, अब इस आर एच एस के लिए वन के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वन एक कॉलम है, तो आप उस कॉलम को मैच कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। नाउ चूंकि सिंगल लिटरल है हियर, एन इज इक्वल टू वन, देयरफॉर टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू टू, तो यहां पर एक बार जीरो और एक बार वन, क्योंकि दो का आधा हाफ वन होता है, और यहां जो वन है ये कॉन्स्टेंटली वन ही रहेगा। अब इस ए और वन के बीच में ए प्लस वन लॉजिकल और लगाना है, लॉजिकल और लगाने के लिए क्या है कि एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटकम, इसका मतलब है कि यहां पर जीरो वन भी वन, वन वन भी। नाउ यू हैव टू, यहां पर लिखना आपको होगा कि सिंस द आउटपुट ऑफ कॉलम, ठीक है ना, आउटपुट ऑफ कॉलम टू एंड थ्री इज आइडेंटिकल, ठीक है ना,
और यू कैन से द आउटपुट ऑफ कॉलम थ्री इज इक्वल टू वन, वो भी लिख सकते हैं। और ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंस द आउटपुट ऑफ, क्योंकि आउटपुट जो आपका कॉलम थ्री है वो LHS को रिप्रेजेंट करता है, और LHS किसी भी पर्टिकुलर ए का वैल्यू के लिए आउटकम हमेशा वन होना चाहिए। तो सिंस द आउटपुट ऑफ कॉलम थ्री इज इक्वल टू वन फॉर ऑल सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल, किसी भी सेट का इनपुट ऑफ वेरिएबल जो आपका है उसके लिए आपका ये इक्वल टू वन ही है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS एंड A प्लस वन इज इक्वल टू वन, दिस वन इज प्रूफ्ड। नाउ प्रूफ द रेस्ट थ्री, बाकी तीन को प्रूफ करके दिखाइए, बाकी तीन को प्रूफ करिए। जहां पर आपका A होगा वहां पर बता देंगे कि आपका पहला और तीसरा कॉलम सेम है, ठीक है ना, क्योंकि पहला कॉलम A को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा कॉलम आपका जो है वो LHS पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ कंप्लीट द थ्री, इस तरह से जो PDF में आपका जो होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बूलियन अलजेब्रा में जो जितना भी 8 लॉ दिया हुआ है वो सारे सब लॉ को एक एक करके आप खुद से चेकआउट कीजिएगा, जहां पर डाउट होगा उसको नोट करके रखिएगा ताकि क्लास में हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये बाकी तीन हम नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें देखना क्या चाहिए ये, हाँ लिखना जरूर, ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। आपको ये बताना तो होगा ना कि A प्लस वन जो है LHS है, और इसका किसी भी सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल के लिए आउटपुट हमेशा वन आ रहा है, तो इस ये प्रूफ करता है कि A प्लस वन इक्वल टू वन, ये आपका जो आइडेंटिटी है ये इससे प्रूफ होता है कि LHS बराबर RHS है, ठीक है। जहां पर A होगा तो A प्लस, इसको बता देते हैं कि जहां पर A प्लस जीरो इक्वल टू A है जैसे, तो A प्लस जीरो इक्वल टू A के लिए एक कॉलम A का, एक जीरो का, एक A प्लस जीरो का होगा। तो आपको क्या करना है, ये A है इक्वल टू A है, इसका मतलब है कि इसमें जो सेगमेंट होगा और इसमें, यानी कि कॉलम वन और कॉलम थ्री को आइडेंटिकल बताना होगा या इक्वल बताना होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो वन होगा, ये जीरो जीरो होगा, और A प्लस जीरो जब करेंगे तो ये आपका जीरो और ये वन होगा, तो ये जीरो वन और जीरो वन, यानी कि कॉलम वन और कॉलम थ्री इज आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज प्रूव्ड, ठीक है ना। जहां पर कांस्टेंट होगा जीरो या वन तो कांस्टेंट कॉलम को दिखाएंगे, जहां पर वेरिएबल होगा तो सीधे उस वेरिएबल के कॉलम को दिखा देंगे आउटपुट वाले कॉलम से, LHS और RHS दोनों को मैच कराएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये आपका स्टेटमेंट, ये फ्रेज ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, क्योंकि यही आपका स्टेटमेंट इस ट्रूथ टेबल के बेसिस पर बताने के लिए है, इस ट्रूथ टेबल में क्या आपको ऐसा दिखा कि जिसके चलते आप ये डिसीजन ले रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल इज द बेसिस, तो यहाँ पर बेसिस आपका वही होगा, ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो में ए का एक कॉलम, जीरो का एक, ए डॉट जीरो का होगा। तो जीरो आप या तो बता सकते हैं कि जो थर्ड इन कॉलम है वो किसी भी सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल के लिए जीरो आउटपुट जनरेट कर रहा है, या सेकेंड और थर्ड को आइडेंटिकल दिखा सकते हैं, क्योंकि सेकेंड कॉलम ऑल जीरो है और थर्ड कॉलम ए डॉट जीरो है, तो ए डॉट जीरो में अगर सारा आउटपुट जीरो आ रहा है तो ये सेकंड कॉलम के बराबर आ रहा है किसी भी सेट इनपुट वेरिएबल के लिए। तो दोनों में से किसी तरह से आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है इनवर्स लॉ, इसको आप आगे प्रूफ करते जाइए। इनवर्स लॉ में भी अगेन दो है, एक आपका है एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू और एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू, तो ये वन और ये जीरो। तो यहां पर भी फॉर एनी बुलियन वेरिएबल x, ठीक है ना, यहाँ पर दो लॉ है इनवर्स का, x यानी x और उसके कॉम्प्लीमेंट पर अगर हम लगाते हैं, तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ x x बार और एक x प्लस x बार कॉलम होगा। वन के लिए कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है,
वन कहने का मतलब है कि x प्लस x बार का जो कॉलम है उसमें वन आउटपुट अगर आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूंकि आउटपुट ऑफ कॉलम थ्री इज आइडेंटिटी इज इक्वल टू वन फॉर ऑल सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि ये लॉ भी प्रूफ हो जाता है। तो x का कॉलम बनेगा, x बार का कॉलम बनेगा, क्योंकि x प्लस x बार आपको चाहिए तो उसके लिए x और x बार दोनों। उसी तरह से यहां पर भी x x बार और x डॉट x बार, यहां पर ये कॉलम में आपका जो है जीरो आना चाहिए। जैसे x प्लस x बार वन आएगा तो यहां जीरो आपको प्रूफ करना है। दोनों ही केस में आपका जो है सिंगल लिटरल्स है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दो बनेगा। और कॉम्बिनेशन कैसे बनता है आपको पता है, कॉम्बिनेशन केवल x के लिए बनाना है, इसी x को x बार के लिए बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तो जीरो वन, तो वन जीरो, फिर वन वन, जीरो वन वन जीरो, एंड देन जीरो जीरो, तो ये ऑल जीरो हो गया, ये ऑल वन हो गया, तो ये दोनों लॉ आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसको आप देखिएगा, इसको अलग से प्रूफ पूरा करने का जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, समझने में दिक्कत होगा तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देन डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, इसमें क्या है कि व्हेनेवर मतलब द डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी लिटरल्स आर वेरिएबल इटसेल्फ, ये आपका है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ का, कि डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बुलियन वेरिएबल एक्स इज इक्विवेलेंट टू वेरिएबल x यानी इटसेल्फ। तो x का डबल कॉम्प्लीमेंट बराबर x, ये आपका है, तो इसके लिए आपको कॉलम x का एक कॉलम बनेगा ही, एक कॉलम x बार और एक कॉलम x का डबल बार, ये तीन कॉलम बनाएंगे। ये फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट को आपको आइडेंटिकल दिखाना है, क्योंकि थर्ड जो है वो RHS LHS का पार्ट है और फर्स्ट जो है वो RHS का पार्ट है। तो LHS RHS सेम दिखाने के लिए कॉलम वन और थ्री को आइडेंटिकल दिखाना होगा। x चूंकि सिंगल है तो इसमें भी दो ही कॉम्बिनेशन बनेगा इसके बेसिस पर, तो इसका जस्ट आगे फॉरवर्ड करेंगे x का डबल, तो ये जीरो, ये दोनों आइडेंटिकल होगा, तो इसको भी अप्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ में चार लॉ है। पहला क्या है देखिए, इसमें है a प्लस ए बी इज इक्वल टू, और एक बार a डॉट a प्लस बी, यानी कि a प्लस a डॉट b बराबर और a डॉट a प्लस b बराबर, a प्लस a डॉट b, यानी कि इसको देखिएगा तो a प्लस ए बी बराबर क्या होगा और a डॉट a प्लस b ये बराबर क्या होगा। एक दो तो ये है, a प्लस ए डॉट बी बराबर a और a डॉट a प्लस बी बराबर भी a होगा, और दो है जिसमें a प्लस बी और ठीक है ना ए बी, तीसरा क्या है a प्लस a बार b a बार b और एक बार a बार प्लस b होगा। तो a प्लस a बार b बराबर a प्लस b, ठीक, और a डॉट ए बार प्लस बी बराबर, हाँ यही चार लॉ, ठीक है। अब देखिए इसमें मोर और लेस सब में दो लिटरल्स यूज हुआ है, दो लिटरल्स यूज हुआ है, दैट मीन्स कि अगर हम
यहाँ ए की बात करें तो ए में आपका ए एक लिटरल्स होगा, बी भी होगा। अब एलएचएस पार्ट को देखेंगे क्योंकि आरएचएस पार्ट में जो आपका है जहां पर ए प्लस बी है ए बी है उसके लिए आपको उसका कॉलम बनाना होगा आरएचएस का। जहां पर सिंगल ए है तो ए ऑलरेडी है, उस कॉलम से आप आइडेंटिकल शो कर सकते हैं। तो ए बी के बाद ए तो आपका है सेपरेट, ए बी चाहिए तो एक कॉलम ए बी का और एक ए प्लस ए बी का, ठीक है, बस इतना ही कॉलम चाहिए। इस कॉलम को इस कॉलम से आइडेंटिकल करना है। सेम थिंग यहां भी है, केवल डॉट को प्लस से बदल देना है, हो जाएगा ना। सी के लिए ए कॉलम है, बी कॉलम है, एक कॉलम आपको ए बार भी निकालना होगा, ए बार बी होगा और एक कॉलम आरएचएस पार्ट के लिए भी ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी और एक और कॉलम चाहिए ना, ए प्लस ए बार बी। ए प्लस ए बार और यहां एक हो जाएगा ए प्लस, तो ये और ये कॉलम। अब ये सीक्वेंस कहीं भी हो सकता है, ए बी को छोड़कर ए बी और ए बार के बाद आप आगे पीछे कहीं पर ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर लिए हैं तो ए प्लस बी पहले ले सकते हैं, इसको बाद में ले सकते हैं। जनरली कोशिश कीजिएगा एलएचएस पार्ट को पहले लीजिए, आरएचएस पार्ट को बाद में लीजिए। सेम थिंग इसमें भी है, हो जाएगा। पांचवा आइडम्पोटेंट लॉ आपको पता है, ए प्लस ए इक्वल टू ए और ए डॉट ए इक्वल टू ए। कॉमोटेटिव लॉ भी आप देख लीजिएगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ए डॉट बी इक्वल टू बी बी डॉट ए। तो रेस्ट जितना भी लॉ है उसको एक बार आप देख लीजिएगा और जिसमें डाउट होगा उसी को हम लोग